नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी चैनल। मैं हूं शिवांगी। चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। जनपद हापुड़ से है। जनपद हापुड़ के कप्तान दीपक भूखर द्वारा चोर लुटेरे के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान में थाना पिरखुआ व जनपदीय SOG की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना पिरखुआ पर गौकशी के अभियोग में वांछित चल रहे एवं 15,000 के इनामी 2 अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ में घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 2 अवैध तमंचा, मैजिंदा व खोखा कारतूस व कौकशी के उपकरण बरामद हुए। हमारी संवाददाता आलम टाइगर की रिपोर्ट। थाना पिलखवा पर गौकशी के अभियोग में वांछित चल रहे अपराधियों की एक सूचना के आधार पर थाना पुलिस और स्वैट टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक चेकिंग की जा रही थी गालंद रोड पर, जिसमें सेंट्रो में 5 अभियुक्त सवार थे, इनको रोका गया तो इसमें 3 अभियुक्त फरार हैं, जबकि 2 अभियुक्तों को घायल अवस्था में संयुक्त कार्रवाई में आज गिरफ्तार किया गया है। इन अभियुक्तों के नाम दानिश और नदीम हैं, ये शातिर गोकश हैं। इन पर पुलिस अधीक्षक हापुड़ की ओर से 15,000 रुपये का पुरस्कार भी घोषित किया गया था। इनको घायल अवस्था में तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है, जहाँ इनकी स्थिति सामान्य है। इनके कब्जे से 2 अवैध तमंचे और कारतूस, खोखा कारतूस बरामद हुए हैं, साथ ही गौकशी के उपकरण भी बरामद हुए हैं। इनके विरुद्ध थाना पिलखवा पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।